नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पश्तून नेता उमर खटक ने पाकिस्तान सेना पर लगाया आरोप, कहा पाक सेना पश्तून लड़कियों को बनाते हैं बंधक, पाकिस्तान में लड़कियों से कराते हैं देह व्यापार। परमाणु युद्ध पर बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बिडेन, पाकिस्तान समेत कई देशों ने बढ़ाया संभावित परमाणु युद्ध का खतरा, यूरोप समेत दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में किया जा सकता है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। आपात सेवा विभाग में डॉक्टरों की किल्लत से जूझ रहा है ब्रिटेन, भारत से डॉक्टरों को बुलाकर 3 वर्षों के लिए अस्पतालों में करेगा तैनात, सख्त वीजा नीति के चलते ब्रिटेन में डॉक्टरों की संख्या में आई है भारी कमी। ब्रेग्जिट पर जर्मनी सरकार की घोषणा, चांसलर एंजेला मार्केल के नेतृत्व में विशेष ब्रेग्जिट समिति का होगा गठन, समिति में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की विदाई और दोनों देशों के बीच वार्ता को लेकर होगी चर्चा। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया लौटे, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के दिए संकेत, यूएन के अपने 10 साल के कामों का किया जिक्र। सीरिया ने इजराइल सेना पर लगाए आरोप, कहा इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के हवाई अड्डों पर दागे रॉकेट, एयरबेस पर मिले हैं इजराइल के रॉकेट। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीपी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।